अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। अल्लाह का नाम लेकर हमने लिए पहले वेजिटेबल, इनके खीरे लिए, उनको छोटा छोटा करके उनके पीसीस किए। उसके बाद बारी आ जाती है जी चिकन की। चिकन के हम बोनलेस लैदा लैदा कर रहे हैं, और लैदा लैदा करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पहले भी वॉश किया, फिर लैदा लैदा करने के बाद अच्छे तरीके से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर आगे जाके आपको दिखाते हैं कि इसकी मैरिनेशन कंप्लीट करते हैं। और बारी आ जाती है जी गोभी की। गोभी को काट छाट कर बारीक किया, और इसी तरीके से कटिंग करने के बाद बारी आ जाती है जी मिंट सॉस तैयार करने की। मिंट चिली सॉस, ग्रीन सॉस, वो तैयार की हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत तरीन। ये हमारी मिंट ग्रीन चिली सॉस तैयार है, और गार्लिक सॉस, गार्लिक मायो सॉस भी तैयार है। बच्चे माशाल्लाह रूटीन की तरह चेक करें जी, ये काम में हेल्प करने के लिए आगे आगे आ जाते हैं जी। हमें भी दें कोई काम, हम भी आपका काम करवाएं। बाय बाय करो, बाय बाय। सबको बाय बाय करने के बाद जी हम अपने काम की तरफ दोबारा गामजन हो गए। उसके बाद हम बनाने लगे हैं अब जी मायो गार्लिक सॉस। उसके लिए अंडे शंडे डालकर बाकी की चीज़ें डाल के हमने रेडी कर लिया। अब हमारा माशाल्लाह चिकन भी मैरिनेशन हो चुका है, और वाइट गार्लिक मायो सॉस भी तैयार है, और ग्रीन मिंट सॉस भी तैयार है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जी भाई साहब अच्छे तरीके से बाकी की जो तैयारी रहेगी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी मायो कम पड़ गई थी, हमने और बना ली, क्योंकि आज थोड़ा सा सामान ज़्यादा था, इसलिए हमने कहा कि जो है ना वो मायो सॉस जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल बना लें, क्योंकि वो ज़्यादा शवारमे में ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होती है, लोग बार बार इस्तेमाल मांगते हैं, इसलिए इसको रेडी कर ली। तीसरा दिन था आज का ईद का, और बहुत ही खूबसूरत दिन गुजरा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप भाइयों का दिन कैसा गुजरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ईद कैसी गुजरी आपकी। और अल्लाह करीम सबको रोज़ी रिज़्क़ हलाल रोज़ी अता फरमाए, और सबके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। बेरोज़गार भाइयों को हलाल रिज़्क़ रोज़ी अता फरमाए। मेरी वीडियो को पूरा वाच किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। और आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए मेरी मेहनत का इनाम है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी नीचे। नीचे आगे सामान वगैरह रखते हैं, और ये बर्गर के पैकेट वगैरह सीधे करके रखते हैं। पहले सफाई सफाई की है, उसके बाद शमरोज भाई और अमीर अली नीचे काम सेट कर रहे हैं। ये जी हम आ गए हैं नीचे, चेक करें हमारे फूड कार्ट का, विज़िट करें। अल्लाह का नाम लिया और सदका दिया, सदका दिया करें। सदका बुरे बलाओं से टालता है, नज़रबाद से महफूज रखता है, हासदीनों के सर से बचाता है। अल्लाह का नाम लेकर सदका दिया। सदका देने के बाद जी हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। उससे पहले छोटी मोटी सेटिंग मैटिंग कर ली। बच्चे भाई साहब नीचे बाय बाय करने के लिए आ गए हैं जी। एक दफ़ा फिर जी बाय बाय करो जी, बाय बाय जाओ जी, बाबा जी लो जी। अल्लाह का नाम लेकर हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। आप भाइयों की बहुत सी दुआएं हमारे साथ हैं, आपकी दुआओं करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी काम माशाल्लाह बेहतरीन रहा था, आज जो भी जाके देखते हैं जी और कैसा काम रहता है। और जैसे ही हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकले तो हमारे एक नए दोस्त भाई जो है ना वो मिले हमें, और उनसे हमने सलाम दुआ की जी। आसम भाई से मुलाकात होती है ये जी इसी बोर्ड पर, अचानक से वो देखते हैं और उनसे हम सलाम दुआ करते हैं और अच्छे तरीके से अलविदा करते हैं। ये हमें दुआएं देते हैं कि जाएं अल्लाह करीम आपको रोज़ी रिज़्क़ वसी अता फरमाए। इनसे मिलने के बाद जी हम अपनी सोसाइटी से निकलते हैं बाहर। धूप गर्मी की शिद्दत आज कम थी, आज ईद का तीसरा दिन है, आज गर्मी की शिद्दत में कमी आई है काफ़ी। यानी पहले जो दो रोज़ गुजरे थे वो काफ़ी गर्म थे, और आज निस्बत पहले दो दिनों के बेहतरीन मौसम है। आज हवा भी हल्की हल्की चल रही थी, और उसके बाद तो एकदम तेज़ हो गई हवा और मौसम बेहतरीन हो गया और बड़ा मज़ेदार मौसम हो गया। और आज साथ साथ हम जा रहे हैं, चेक करिए जी रोड बिल्कुल खाली हैं, वीरान सड़कें पड़ी हुई हैं, लोअर खाली हुआ पड़ा है। और इसी के साथ जी हम अपने रास्ते की तरफ गामजन हैं। थोड़ा सा आगे आगे हमने सोचा क्यों ना हम अपने वीडियो को ज़रा टाइमलाइन पे बनाएं, और इसी के साथ हमारा वीडियो का टाइमलाइन शुरू हो जाता है जी। आपको पूरा विज़िट करवाते हैं जी, हम काम पे अपना फूड कार्ट खड़ा करते हैं। ये बिल्कुल हमारे घर के पीछे बैक साइड पे, ये हम कॉमसठ यूनिवर्सिटी क्रॉस करें। कॉमसठ यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हुए बिल्कुल पहला गोल चक्कर आता है जी, बिल्कुल वो सामने ये हम आने लगे हैं गोल चक्कर के ऊपर।
गोल चक्कर से बिल्कुल साथ ही नहीं, आइडियल पार्क बनी है जी इधर, उसके बिल्कुल साथ ये हम पहुंच चुके हैं गोल चक्कर पे, ये राइट हुए और ये फिर लेफ्ट हुए और ये हम पहुंच चुके हैं अपने पॉइंट पर। आज माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए थे इधर, काफ़ी नए पॉइंट भी लगे हुए थे, आइसक्रीम वगैरह वाले भाई भी आते हैं और इसके साथ और भी। इसी के साथ माशाल्लाह छोटे भाई ने अपना काम शुरू कर दिया, शॉर्मे का चिकन शिकन उसने छोटा मोटा छोटा छोटा करके रख लिया ताकि कोई कस्टमर आए और उसे वेट ना करना पड़े। अच्छे तरीके से इसको करके हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पे, खड़े हो गए अल्लाह का नाम लेकर, और आज का काम अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शाम को वापसी घर की तरफ लौट पड़े हैं। आप भाइयों का बहुत शुक्रिया, इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें। आज का व्लॉग करते हैं इधर ख़त्म, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, जजाकल्ला।